सरकार जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा दुश्मन चुन ली है जो इत्तफाक से दिमागदार है। भाई रोज इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्वीट करते हैं हर बार। क्या मजेदार है ये यूनिवर्सिटी कि जब हम पकड़े गए थे और जेल गए थे तो जो कमिश्नर था जेल का, तिहाड़ जेल का, वो जेएनयू का पढ़ा हुआ था और तिहाड़ जेल में ही 12 दिन बंद था। ये बात मैं यहां क्यों बोल रहा हूं, ये बात मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार घूम करके हर 4-5-6 महीने में न्यूज साइकिल में जेएनयू चलना शुरू हो जाता है। खुशी होती है, बार बार यूनिवर्सिटी की लड़ाई टेलीविजन पे जगह पा रही है। अब कभी कभी तो चले गए कॉमरेड सीताराम, उनको थोड़ा ईर्ष्या भी हो रही होगी कि हमारे जमाने में इतना जेएनयू टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता था। टेलीविजन ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, ड्रोन भी नहीं था। तो अब कई बार हम लोगों को भी लगता है कि देश में इतना सारा मुद्दा है, घूम घूम करके जेएनयू क्यों आता है। तब फिर जब रिकॉल करके देखते हैं तो पता चलता है कि देश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें जेएनयू नहीं होता है। आप देख लीजिए, कोई सवाल उठा करके देख लीजिए, देश की कोई घटना उठा करके देख लीजिए, चाहे उसका कोई मीडिया कवरेज नहीं हो, चाहे कोई उसकी बात नहीं कर रहा हो, पूरे देश में अगर एक इंस्टीट्यूट है जो उस घटना की भी बात करता है वो जेएनयू है। इसीलिए हमको जेएनयू पे गर्व है। अब सरकार को लगता है कि सारी फसाद का जड़ यही है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा दुश्मन चुन ली है जो इत्तफाक से दिमागदार है, पढ़ता लिखता है, और इतनी भरी बेरोजगारी में भी, कितनी बड़ी बेरोजगारी है, आए दिन खबर आते रहती है, अरे जानते हो उसका बीएचयू में हो गया, उसका बिहार में हो गया। ऐसी स्थिति में भी कि जब जेएनयू के स्टूडेंट एडहॉक का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एडहॉक का, परमानेंट का नहीं, तो पूछते हैं कहां से आए हैं। कन्हैया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये पैरामीटर बन गया है देश में, ये पैमाना बन गया है कि अगर आप जेएनयू के साथ हैं तब आप पक्का वामपंथी होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां खड़ा होकर के ये बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है मैं एक वामपंथी पार्टी से हूं, लेकिन पार्टी का प्रचार थोड़ी करने आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अब की बारी अटल बिहारी की सरकार बनी थी तो उस वक्त राम शरण शर्मा की किताब की होली जलाई गई थी। तब भी क्या कहा गया कि वामपंथी इतिहासकार का किताब जलाया जा रहा है? नहीं, देश का इतिहास जलाया जा रहा था। आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लेफ्ट वर्सेस राइट है, ये पूरी लड़ाई को गुमराह कर रहे हैं। आज की घटना है अहमदाबाद में, गुजरात में, मोदी जी के राज्य में तो कम से कम लेफ्ट नहीं है, होगा कहीं थोड़ा बहुत हो, लेकिन लार्जली तो नहीं है ना। आज अहमदाबाद की सड़कों पर NSUI के स्टूडेंट को दौरा दौरा के बीवीपी के लोगों ने पीटा है, वहां तो लेफ्ट नहीं था। मैं इस बात पर जोर दे करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक फ्रेज जेएनयू में अक्सर बोला जाता है, इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट गो लेफ्ट। देश कैसा होना चाहिए उस देश की परिकल्पना से इनको नफरत है। और वो देश जिस देश में लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ सके, है ना आपका जेएनयू ऐसा, है ना हमारा जेएनयू ऐसा? बोलिए बोलिए, मैं यहां से खड़ा होकर के बोलता हूं, देश की किसी यूनिवर्सिटी में रात को 12 बजे अकेले लड़की लाइब्रेरी से निकल करके सुरक्षित, सेल्फ डिफेंस में एसिड नहीं पास में रखना पड़ेगा,
एबीवीपी की एक लड़की बोली कि सेल्फ डिफेंस में एसिड रखे थे, तो बोले जब अटैक करेंगे तो अब क्या करेंगे, मिसाइल लेकर के चलेंगे। सुरक्षित अपने हॉस्टल तक जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस है आपको दिल्ली के बाहर की सड़कों पर? बोलिए, पीएमओ के सामने रात को 12 बजे अकेले घूमिएगा जहां मोदी जी रहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके घर के सामने से गुजरिएगा जहां ये ड्रोन ऑल द टाइम घूमते रहता है, ये कॉन्फिडेंस है ना। इस देश के भीतर बगल में मेरे साथ रामा खड़ा था, ये रहा, पूछ लीजिए इसके पिताजी क्या करते हैं। मेरी माँ सिर्फ आंगनवाड़ी में नहीं काम करती है, इस कैंपस के 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजदूरों किसानों गरीबों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के अधिकार के खिलाफ ये लोग, ये यूनिवर्सिटी पे हमला, टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके जब बोला जाता है तो इस एक शब्द के साथ उस देश की परिकल्पना के ऊपर हमला किया जाता है, जिस देश की परिकल्पना में आज भी रोहित बेमुला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और उसकी जातिगत पहचान के चलते अगर उसको फांसी लगानी पड़ती है तो हम नहीं मानते हैं आपकी इस परिकल्पना को, और वो स्वीकार करते हैं आपकी इस परिकल्पना को, यह आज यहां खड़ा होकर के कहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, हाँ जी बोलिए ना, आपके देश में जहां आप औरत और मर्द के बीच में भेद करना चाहते हैं, जहां आप अग्रा और पिछड़ा का लड़ाई लगाना चाहते हैं, जहां आप फिर से नए तरीके का छुआछूत हमारे ऊपर थूपना चाहते हैं, जहां आप फिर से एकलव का पढ़ने का अधिकार और उसका अंगूठा नहीं उसका सर फोड़ना चाहते हैं, तो हम आपका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, ऐलान करते हैं यहां से खड़ा होकर के, बोलिए, हम ओन करते हैं इस बात को। नहीं चाहिए आपसे, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और है हिम्मत तो आइए, सब कुछ आपका है, आपकी पुलिस है, आपका सिस्टम कहां काम नहीं करता है? अरे हम तो एआई के जमाने में रहते हैं साहब, जूता जूता बतियाइएगा फेसबुक पे जूता का प्रचार आना शुरू हो जाता है। बताइए, हमारी यूनिवर्सिटी में जो आप बार बार ये कहते हैं 3000 कॉन्डोम पाया गया, तो यहां पे जो है हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, तो यहां पे आर्मी के खिलाफ बोला जाता है, अल्टीमेटली आप कहना क्या चाहते हैं? एक बात बता दीजिए कि आपको दिक्कत किससे है? हमारी दाढ़ी से, हमारे शॉल से, हमारे झोले से, हमारे चप्पल से, दिक्कत किस बात से है? दिक्कत आपको हमारे होने से है, ये बता दीजिए। दिया गया है देश में हर 3-4 महीने में बहस उठ खड़ा होता है, कल फिर बोले हैं मोटा भाई, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी ऐसा बकवास करे ना, उसको पलट करके एक बात कहिएगा, सुनो दोस्त, तुम्हारे हाथ में रॉड थमा दिया है ना, अब बेटा को जय शाह को इंडियन क्रिकेट टीम का बैट दे दिया है बीसीसीआई से खेलने के लिए, कोई क्वेश्चन किया मेरिट को? क्यों कोई क्वेश्चन मेरिट को कि जय शाह का क्या मेरिट है, क्यों उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? जेएनयू में टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है इनके हिसाब से, और ये तो बड़ा आबाद हो रहा है, अपने ही जैसा हूबहू फोटोकॉपी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। नहीं नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? देश के भीतर आज शिक्षा की जो हालत है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? फंडिंग की जो हालत है, कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है? कितने चीजों का जवाब देते रहिएगा। जब फरवरी की घटना हुई तो जो हमको नहीं भी बेचारा जानता है, हो सकता है कि हमको वोट नहीं दिया हो, उसको भी अपने चाचा मामू के पास हमको डिफेंड करना पड़ गया है। जब दिल्ली का चुनाव आया है तो फिर से नारा याद आया है, अब देख लीजिए, माने आप अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते हैं तो आप जेएनयू के बदनामी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं? आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो आप जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट का नकाब पोश चेहरा फोटोशॉप करके घुमा रहे हैं ताकि आप दिल्ली की जनता को यह बता सकें कि आपका पीस जो है वो जेएनयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी छीन ली है। हे दिल्ली के महान मतदाताओं,
मैं आपको बता दूं कि आपका फेफड़ा दिल्ली में जेएनयू की वजह से नहीं खराब हो रहा है। अगर आपको कोई ये कहता है कि जेएनयू के स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से उनका फेफड़ा खराब होता है, दिल्ली की हवा खराब नहीं होती। देखिएगा आपके पास मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा दिया है आपको। कोई काम नहीं है, जेएनयू के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे लड़िए, ठीक बात है, लेकिन हमारी उन लड़ाइयों का क्या। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस फरवरी में तथाकथित नारेबाजी की बात होती है उसी फरवरी में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने का एक आंदोलन चल रहा था।